हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रिकेट बकलोली। और आज हम बात करेंगे सबसे पहले मुंबई और हैदराबाद के मैच के बारे में, और उसके बाद थोड़ी सी बात करेंगे हम जो कल मैच हुआ है चेन्नई का, उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। वैसे उस मैच में बात करने के लिए कुछ बचा नहीं है। मैंने आपको पिछली वीडियो में बता ही दिया था कि CSK आराम से तसल्ली से अपना मैच जीतेगी, और वही आराम से ही मैच जीती है CSK। तो बात करते हैं हम एक ऐसे बंदे के बारे में। सबसे पहले देखो, आपने बहुत सारे बंदे देखे होंगे अपनी आसपास की लाइफ में कि जो कोई पड़ी लकड़ी ले लेता है, कोई उड़ता तीर ले लेता है, लेकिन हमारे पास एक ऐसा बंदा है जिसने पड़ी लकड़ी और उड़ता तीर दोनों एक साथ लिए हैं, वो है हार्दिक पांड्या। ठीक है, हार्दिक पांड्या ने दोनों चीज़ें एक साथ ले ली है। पहली चीज़ जो उसने ली है पड़ी लकड़ी, वो ऐसे ली है कि उसने जो है अपनी कप्तानी छोड़ के गुजरात की, अच्छी खासी उसकी कप्तानी चल रही थी, अच्छा खासा उसका नाम भी चल रहा था उसमें, क्योंकि उसने एक कप भी जीत लिया था। तो उसने पड़ी लकड़ी ली के मुंबई का कैप्टन बन के आके, सिर्फ थोड़े से पैसों के लिए, थोड़े से वो ज़्यादा से भी हो सकते हैं, तो उसके लिए वो कैप्टन बना आके मुंबई का। ये अपने आप में मुझे पड़ी लकड़ी लगी, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ जिस टीम में वो था वहाँ पर भी कैप्टन ही था। और फिर उसके बाद उड़ता तीर उसने ये लिया कि जो रोहित शर्मा को बार बार डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, कभी घेरे के बाहर भेज देता है, कभी कोई डिस्कशन हो रहा है तो उसके बीच में उसकी सुन नहीं रहा है, उससे पहले ही बॉलर्स को रनअप पे भेज दे रहा है। तो अपने आप में इसका जो साइड इफ़ेक्ट होने वाले हैं हार्दिक पांड्या को, वो आप अगले जितने भी सारे मैच होंगे, चाहे वो किसी भी ग्राउंड पर हो, वो आप साइड इफ़ेक्ट देखेंगे बहुत ही आराम से देखेंगे, बहुत ही अच्छे से देखेंगे। पिछले जो पहला मैच हुआ उसमें आप साइड इफ़ेक्ट दे ही सकते हैं, देखा ही होगा आपने, कुत्ते से कंपैरिजन उसका कर रहे हैं, सब चीज़ से उसका कंपैरिजन किया जा रहा है। इस टाइम पे हालात बहुत बुरे हैं हार्दिक पांड्या के। तो वो एक ऐसा बंदा है जिसने दोनों चीज़ें एक साथ ले ली है, पड़ी लकड़ी तो ले ली है, उड़ता तीर भी उसने ले लिया है। और मुझे लगता है उसने जो हार्दिक सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, वो मुझे लगता है डिसरिस्पेक्ट जो उसने की है रोहित शर्मा की, उससे हुई है। अपने आप में यार वो इंडियन कैप्टन है, ठीक है, इंडियन कैप्टन को आप कुछ नहीं कह सकते, अपने आप में वो इंडियन क्रिकेट का ताज है इस टाइम पर, क्योंकि उसके हाथ में कैप्टनसी है। तो आप सीधा ये जो लीग मैच है, और लीग मैच को आप इंडियन क्रिकेट टीम से जो कंपेयर नहीं कर सकते आप, मेरी नज़र में। तो आपने जो किया है, मुझे लगता है पांडू ने अपने आप में बहुत गलत किया है। अगर हम बात करते हैं आज के मैच की, तो आज के मैच में जो कॉम्बिनेशन है दोनों टीमों का बहुत ही अच्छा है, लेकिन जो पांडू ने कॉम्बिनेशन बिगाड़ा हुआ है मुंबई का, उसका रीज़न यह है नहीं बोल लेके वो खुद आ जाता है बॉल करने, जबकि उसके पास तीन इतने अच्छे अच्छे बॉलर्स हैं ऑलरेडी, नहीं बोल के इतने अच्छे बॉलर है उसके पास। बुमराह, आपने अगर पिछला मैच देखा होगा, बुमराह कोने में खड़ा होकर देख रहा है और वो पिट रहा है नहीं बोल से, तो यार बुमराह को नहीं बोल नहीं दे रहा है। फिर लुक वुड है, उसे नहीं बोल नहीं दे रहा है, एक बॉलर और है उनके पास, तो किसी को भी नहीं बोल नहीं दे रहा, खुद नहीं बोल लेके आ रहा है। तो उसने कुल मिला के मुंबई का बैलेंस बिगाड़ा हुआ है। दूसरी चीज़, जब वो सेकेंड इनिंग में बैटिंग का टाइम होता है तो बैटिंग में भी वो आने को तैयार नहीं है। टीम डेविड को भेज दिया राशिद खान के सामने, पता नहीं उसको भी डर लग रहा था कि राशिद खान मुझे आउट कर देगा, जो भी था ओवरऑल कुल मिला के जो हुआ उसका, उसने बैलेंस बिगाड़ा हुआ है टीम का, जबकि वो कैप्टन है, उसे टाइम बैलेंस बनाना चाहिए, उसने खुद ने ही टीम का बैलेंस बिगाड़ा हुआ है। और बात करते हैं अगर हम उसकी हैदराबाद की, तो उसका बैलेंस बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, पूरी टीम बैलेंस लग रही है मुझे। और ओवरऑल अगर इनके स्टेटस का बात करते हैं कि अभी तक कितने मैच हुए हैं, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, टोटल 21 मैच हुए हैं जिसमें से 12 मैच जीती है मुंबई और सिर्फ 9 मैच जीत पाई है हैदराबाद। और इस ग्राउंड की बात कर दे, ओवरऑल इनके मैच की बात करें, तो 11 मैच जो है वो बाद में बैटिंग करने वाली जीती है, और 10 मैच जिसने पहले बैटिंग की है वो जीती है। और बात करें अगर इस ग्राउंड की, तो इस ग्राउंड पर टोटल 8 मैच इन दोनों टीमों ने खेले हैं, जिसमें कि 4-4 दोनों ही टीमें जीती हैं, तो 50-50% का मार्जन है इस ग्राउंड का। लेकिन मैं इसमें जो थम्सअप देना चाहूँगा वो हैदराबाद की टीम को देना चाहूँगा, हैदराबाद इस टीम इस बार इस मैच को लेकर जाएगी मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि मुंबई बोल रहा हूँ, पांडू अपनी हरकतों से बाज आने वाला है नहीं, वो आज फिर नहीं बोल लेकर आएगा और टीम का बैलेंस ख़राब करेगा। हो सकता है उसको विकेट वगैरह भी मिल जाए, लेकिन मेरे हिसाब से जो मैच है वो हैदराबाद लेकर जाएगी, क्योंकि वो ओवरऑल जो उसने किया है, वो हूटिंग जो होगी ग्राउंड पर, मुझे लगता नहीं है कि कोई भी ग्राउंड या कोई भी स्टेट उसको छोड़ने वाला है। हर ग्राउंड पर, हर स्टेट में उसको है ना बू ही करने वाले हैं सब, जो जितना भी ग्राउंड होगा, जो ओवरऑल दर्शक देखने आएंगे। जो उसने किया है बहुत ज़्यादा गलत किया है, और आने वाले टाइम में उसको भुगतना ही पड़ेगा। और अभी तो मैं कहना चाहूँगा, अभी तो सिर्फ मैच बाहर ही हुआ है, ठीक है, अभी होम ग्राउंड पर, अभी ये जो रोहित शर्मा का होम ग्राउंड है उस पर मैच हुआ नहीं है। जिस दिन होम ग्राउंड पर मैच होगा ना रोहित शर्मा के,
शेर के घर में जिस दिन आप जाओगे भाई साहब, रोहित शर्मा बहुत बुरा हाल होने वाला है तुम्हारा। जिस दिन मुंबई का मैं रोहित शर्मा जिस दिन जाएगा ना अपने होम ग्राउंड पे मुंबई में, जिस दिन तुम्हारा मैच होगा उस दिन सोच के ही मुझे लगता है आपको डरना चाहिए कि क्या होने वाला है मुंबई के ग्राउंड में आपके साथ। हो सके वैसे तो आपका भी होम ग्राउंड है, लेकिन जो सपोर्ट मुंबई में मिलने वाली है, क्योंकि आप अदर स्टेट में देखोगे इतनी तगड़ी सपोर्ट मिल रही है रोहित शर्मा को, मुंबई तो मैं तो पता ही नहीं क्या ही होने वाला है। और अगर हम बात करें जो पिछला मैच हुआ है चेन्नई का, तो उसमें मैंने आपको पिछले वीडियो में मैंने जैसे बताया था कि बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है यार चेन्नई की, टॉप थ्री में मुझे लगता है आराम से, बहुत आराम से पहुँचेगी, तो उसके बारे में डिस्कशन करने को कुछ खास है नहीं। ओवरऑल गुजरात भी थोड़ा अच्छी जो बैटिंग लाइनअप है उनका थोड़ा बैलेंस बन नहीं रहा है, मुझे लग रहा है कि बैलेंस थोड़ा बन नहीं रहा है, थोड़ी कॉन्फिडेंस की कमी आ रही है ऊपर के लेवल में। शाह वगैरह को थोड़ा सा लंबा खेलना पड़ेगा जब जाकर कोई गुजरात अच्छी टीम से जीत पाएगी। वैसे बॉलिंग अटैक ओवरऑल बहुत अच्छा है। तो मिलेंगे आपसे कल नई वीडियो के साथ और नए मैच के साथ, क्या होता है कल देखते हैं। इस मैच को जीतेगी हैदराबाद। ओके टाटा बाबा सी।